नमस्कार, आप देख रहे हैं के लाइव न्यूज चैनल। डिम्पी चौहान ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कुंवर विजय प्रताप के नेतृत्व में आप में हुए शामिल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक डिम्पी चौहान ने आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर अपने साथियों के साथ हल्का उत्तरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आप नेता पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कुंवर विजय प्रताप ने डिम्पी चौहान को पार्टी में शामिल करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आने पर इन सभी साथियों को उनका बनता मान सम्मान दिया जाएगा। डिम्पी चौहान ने कहा कि 30 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के बाद भी उनको नजरअंदाज किया गया, इसलिए वह आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंवर विजय प्रताप हल्का उत्तरी से भारी बहुमत के साथ जीत प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आप कुलदीप साहब भी, सिम्पी चौहान, जीवन अरोड़ा, जिम्मी मिंटू चौहान, रतन लाल जी नैयर साहब, हीरालाल आदि सैकड़ों साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अमृतसर से साहिल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। देखो, आज आम आदमी पार्टी दे विच श्री अशोक चौहान जी उर्फ डिम्पी जी ये आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हुए ने अपने सहयोगियों दे नाल, पूरी टीम दे नाल, जिन्हां दा असीं स्वागत करते हाँ। जिस तरह तुसीं जानदे हो कि असीं पंजाब बचाओ मूवमेंट चलाई हुई, क्योंकि आज पंजाब दे उत्ते गैंगस्टरां ते माफिया दा राज है। इस माफिया राज को छुटकारा दिलाना है पंजाब में, तो असी पंजाब बचाओ मुहिम चलाई हुई है और मिशन 2022 आम आदमी पार्टी वालों ये मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम दे विच हर व्यक्ति जो इंसाफ पसंद ने, जो पंजाब दे विच अमन शांति भाईचारा चाहते ने, वो सारे जुड़ रहे ने साडे नाल। तो उसे कड़ी दे विच आज अशोक चौहान जी उर्फ डिम्पी जी अपने सारे साथियों समेत आज आम आदमी पार्टी दे विच इन्होंने ज्वाइनिंग की है। मैं इन्हों का स्वागत करता हाँ और यही आस करता हाँ कि असी सारे मिल के पंजाब नूं वधिया बनावांगे। खास करके अमृतसर शहर नूं साफ सुथरा ते सेफ शहर बनाना है, तो सारियां दा योगदान होगा, सारी जनता दा योगदान होगा। और 2022 दे इलेक्शन दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बन रही है, आम जनता ने मन बना लिया है। थैंक यू। नाम बोल के अपना। मैं अशोक चौहान डिम्पी, जनरल सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस व्यापार सैल। मैं अज कांग्रेस पार्टी दियां माड़ियां नीतियां तो तंग आके मैं अज अपने वड्डे वीर ने, मेरे जिहड़े पुराने मेरे साथी ने, साबका आई जी कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, जिहड़े आप दे लीडर ने, हलका उत्तरी तो उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी दे, मैं उन्हां दी अज रहनुमाई दे विच आप दे विच शामिल होया हाँ कांग्रेस नूं छड्ड के। ते जो दिल्ली दे विच केजरीवाल साहब ने जो लोकां नूं सहूलतां दित्तियां ने, दिल्ली दा एक मॉडल पेश कीता है, वह असी पंजाब दे विच कुंवर विजय प्रताप जी जिहड़े ने वह नाल उन्हां दे नाल रल के पंजाब नूं अगे लैके जा रहे ने, ते असी उन्हां दे नाल वां ते अज असी इन्हां दे विच शामिल होए हां। ते वध तो वध वोटां दे नाल हलका उत्तरी दे विचों असी कुंवर विजय प्रताप जी नूं इक ईमानदार लीडर जिहड़ा सानूं चाहीदा है अपने हल्के दे विच, असी उन्हां नूं कामयाब करांगे। ते असी पूरे दिलों असी कुंवर विजय प्रताप सिंह जी दे नाल हां आम आदमी पार्टी। पार्टी का मुख्य कारण यह है जी, असी 25 कोई 30 साल तो कांग्रेस के नाल जुड़े हाँ, साडे पिता जी दादा जी, पर कांग्रेस जिहड़ी आ उहदे विच वर्करां दी कोई कदर नहीं हैगी। उत्थे कदर हैगी आ पैसे वालियां दी, वड्डियां वड्डियां गड्डियां वालियां दी, उहनां दीआं कदर वा उहनां नूं बिठाया जांदा। जिहड़े असी जिन्हां ने बूथ लैवल दे उत्ते खलो के जमीनी लैवल ते कांग्रेस दी सेवा कीती है, लेकिन कांग्रेस ने साडा कोई मुल नहीं पाया, वर्कर दा कोई मुल नहीं पाया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ, ਮੁੜ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, माण वाली गल आ कि कांग्रेस पार्टी को टुटन लग्या कोई टाइम नहीं लग रहा। जिस टाइम के उत्ते नॉर्थ हल्के के कैंडीडेट को एक टिकट मिली आ आम आदमी पार्टी के श्री कुंवर विजय प्रताप साहब जी ने, उस तो बाद लैना ही लग गई लोगों की ज्वाइनिंग उत्ते। दूसरिया पार्टी टुट टुट के लोग जड़े ने वो आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे। आम आदमी पार्टी शामिल होने का कारण एक तो साढ़े बहुत ही वधिया नॉर्थ हल्के तो कैंडीडेट ने, जिन्हां नूं लोग दिल दीआं गहराइयां तो प्यार करते हैं, और लोगों नूं आस है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी बन जा रही है 2022 दे विच, उन्हां तो लोगों नूं पूरी आस है कि असी साढ़े लोगों के काम जिहड़े आ नहीं रोकणगे। जिहड़े लोग कांग्रेस दे विच
ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਖਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਤਰਨਾ ਆ ਕਿ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।